गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज आपके क्लास का नया सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये है साइंस। आपके बुक का नाम है जूनियर साइंस और जो पहला चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर के अंग। हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं ये आपके पहले चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट बॉडी? आप हमारे शरीर के बारे में क्या जानते हैं? तो पहले की कक्षाओं में जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में कह सकते हैं कि आई नो अबाउट अ फ्यू बॉडी पार्ट्स। हमें बस कुछ ही बॉडी पार्ट्स के बारे में पता है, जैसे कि आईज, नोज, हेयर, ईयर, हैंड, आर्म, स्टोमक, लेग, फुट, चेस्ट, स्टोमक। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा बॉडी है ये किन किन पार्ट्स से बना है? तो ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, यानी कि मानव शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिससे कि हमारा शरीर मिलकर बना होता है। एंड ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ डिफरेंट नेम एंड फंक्शन, और हमारे शरीर के हर एक अंग का एक खास नाम है और एक खास काम भी है। यानी कि बॉडी पार्ट्स जो है वो हर एक पार्ट्स का एक अलग फंक्शन भी है। जैसे कि वी यूज़ आवर हैंड्स टू ईट, राइट एंड होल्ड थिंग्स। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू डू विद योर हैंड्स, आप अपने हाथ से क्या सब करते हैं, तो क्या सब कर पाते हैं भाई? तो वी यूज़ आवर हैंड्स टू ईट, हम लोग हमारे हाथ का इस्तेमाल खाना खाने के लिए, लिखने के लिए और चीज़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू विद योर लेग्स, आप अपने पैर से क्या करते हैं, पैर का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है? वी यूज़ आवर लेग्स टू रन, वॉक, स्किप एंड किक। हम लोग हमारे पैर से क्या सब कर सकते हैं? दौड़ सकते हैं, टहल सकते हैं, जंप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को किक कर सकते हैं। यानी कि दौड़ना, टहलना, उछलना, किक करना, ये सब संभव हो पाता है तो पैर की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि हाउ आर वी एबल टू सेंस थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास के चीज़ों को कैसे पता चल जाता है कि वो हमारे आसपास में कौन सी चीज़ें हैं? तो आपने पढ़ा है सेंस ऑर्गेन के बारे में, और अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि देयर आर फाइव सेंस ऑर्गेन्स अ ह्यूमन बॉडी हैव। एक मानव शरीर में 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं। ये सेंस ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं? दे आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। वे सब कौन कौन है? तो पहला है आईज, आईज मतलब आँख। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईज, आँख का क्या काम होता है? तो आंसर क्या होगा? वी सी विद आवर आईज, हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं या फिर देखते हैं। वी हैव टू आईज, हमें 2 आँखें होती हैं और इनका काम क्या है कि वी सी विद देम, हम इनकी सहायता से देखते हैं। नेक्स्ट सेंस ऑर्गेन है ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान, कान ये हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गेन है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईयर्स, कान का क्या काम है? क्या आपको पता है कान से क्या करते हैं, ईयर का क्या फंक्शन होता है? सबको पता है कि वी हियर विद देम, वी हैव टू ईयर्स, हमें 2 कान होते हैं और इन ईयर्स का फंक्शन सुनने का होता है। यानी चीज़ों को हम, आवाज़ों को हम सुन सकते हैं तो सिर्फ कान से ही। नेक्स्ट सेंस ऑर्गेन इज नोज, अगला सेंस ऑर्गेन है नाक। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नोज, व्हाट डू वी डू विद आवर नोज, टू वी
कैन स्मेल विद इट, हम लोग इससे सूंघ सकते हैं। कोई भी खुशबू जो हमें पता चल जाती है, चाहे वो फूल की हो, अगरबत्ती की हो, परफ्यूम की हो, या फिर टेस्टी फूड की हो, ये कैसे पता चलता है भाई? तो नाक से। वी हैव वन नोज, वी स्मेल विद इट, हमें एक नाक होता है और हम इससे सूंघ सकते हैं। नेक्स्ट सेंस ऑर्गेन इज टंग। टंग मीन्स जीव। तो वट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग? वट डू वी डू विद आवर टंग, हम लोग अपने जीव से क्या करते हैं? तो सबसे पहली बात कि वी हैव वन टंग, हमारे पास कितने जीव है भाई? एक ही जीव है। और हम लोग क्या करते हैं इससे? वी टेस्ट विद इट, हम लोग किसी भी चीज़ का स्वाद पता कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, क्या वो मीठा है? क्या वो खट्टा है? क्या वो तीखा है? ये संभव हो पाता है हमारे जीभ से ही। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो बॉडी है एक खास कवरिंग से, एक कवर से पैक है, उस कवर को क्या बोलते हैं? तो आवर होल बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, वी फील थिंग्स विद इट, और यही हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेंस ऑर्गेन भी है, स्किन। स्किन मतलब त्वचा, स्किन मतलब चमड़ा। ये इसका इस्तेमाल हम चीज़ों को महसूस करने में करते हैं। अगर हमारे बॉडी से कोई भी चीज़ टच होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ वो हमारे कनेक्ट में आया है, तो स्किन इसका पता कर लेता है। स्किन इसके लिए बहुत सेंसिटिव भी होता है, और यही सारे सेंस ऑर्गेन मिल करके हमें चीज़ों को समझने बूझने करने के लिए मदद भी करते हैं। जब आप छोटे होते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे, उसके बाद जब आप बड़े हो गए तो क्या हुआ? तो सभी सजीव चीज़ों के बारे में, सभी लिविंग थिंग्स के बारे में एक खास बात आप जान लीजिए कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी सजीव वस्तुएं जितनी भी हैं, चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन हो, वो बढ़ते हैं। अ बेबी ग्रोज अप टू अ बॉय और अ गर्ल, एक बेबी, एक बच्चा जब वो बढ़ता है तो एक लड़का या लड़की हो जाता है, और एक लड़का और एक लड़की जब थोड़े और बड़े होते हैं तो वो जवान आदमी या फिर जवान औरत हो जाती हैं। इसके अलावा जो जवान लोग हैं वो जब बड़े होते हैं तो वो बूढ़े हो जाते हैं, और यही हमारा लाइफ का साइकिल भी है कि कोई इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में कोई बेबी होता है, उसके बाद कोई बॉय होता है, उसके बाद कोई यंग मैन होता है, और उसके बाद लास्ट स्टेज में ओल्ड मैन होता है। इसी तरह एक बेबी एक गर्ल में, एक गर्ल एक यंग वुमेन में, और एक यंग वुमेन एक वुमेन में बदल जाते हैं। हमारे चैप्टर में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सब कौन कौन से हैं, थोड़ा इन पर गौर करें। तो सबसे टॉप से देखें, हेयर, हेयर मीन्स बाल, ईयर, ईयर मीन्स कान, आई, आई मीन्स आँख, नोज, नोज हैंड मीन्स हाथ, माउथ, माउथ मीन्स मुंह, नेक मीन्स गर्दन, शोल्डर, आप शोल्डर को घुमा सकते हैं, देखिए ये पूरा पूरी तरह से घूम सकता है, ये है शोल्डर हमारा। कंधा आगे है, शोल्डर से नीचे थोड़ा नीचे जाएंगे तो क्या है वहाँ? एल्बो, कोहनी, ये यहाँ से हम अपने आर्म्स को मोड़ सकते हैं। और ऊपर के साइड में है हैंड, हैंड मीन्स हाथ, हाथ में है कलाई और उंगलियाँ, फिंगर्स मीन्स उंगली, चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती, स्टोमक, स्टोमक मीन्स पेट, हिप, हिप मीन्स कमर, नी,
नी मीन्स घुटना, लेग, लेग मीन्स पैर, फुट, फुट मीन्स पाँव। जो टॉप ऑफ द बॉडी है, जो कि हमारा फेस और हेड वाला पोर्शन है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे ऊपर में है फोरहेड। फोरहेड को हम लोग माथा भी कहते हैं और ललाट भी कहते हैं। उसके नीचे है चिक, चिक मीन्स गाल, लिप्स, लिप्स मीन्स होंठ, और चीन, चीन मीन्स ठुड्डी या फिर ठोड़ी। रिस्ट में आते हैं, हमारे रिस्ट में आते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो पहला है थंब, थंब मीन्स अंगूठा। दूसरा, उंगलियों के बारे में बात करें, थंब की तरफ से गिनना शुरू करिए आप, ये है थंब, थंब मीन्स अंगूठा। ये है फोर फिंगर, यानी इसको कहते हैं तर्जनी उंगली, ये ठीक अंगूठे की बगल वाली उंगली होती है। और उसके बाद है मिडल फिंगर, इसको कहते हैं मध्यमिका, यानी कि बीच की उंगली। और उसके बाद है रिंग फिंगर, रिंग फिंगर मतलब अनामिका। और ये है लिटिल फिंगर, यानी कि सबसे छोटी उंगली। और बीच में ये जो बड़ा सा फ्लैट पोर्शन है, इसको बोलते हैं पाम, पाम मीन्स हथेली। और सबसे नीचे आए, बॉटम ऑफ द बॉडी, तो ये है हमारा लेग। लेग में जो दो पोर्शन बचा हुआ है, जो सबसे नीचे वाला है, जो कि अर्थ के कांटेक्ट में रहता है, जिसको रख करके हम चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वो है सोल, सोल मीन्स तलवा। और जो पैर के आगे वाला पोर्शन है, उसको कहते हैं हम लोग टोज, टोज मीन्स पैर की उंगली अथवा पंजा। तो ये है आपके बॉडी पार्ट्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी जाना, और हम लोगों ने जाना कि बॉडी पार्ट्स के क्या सब फंक्शन होते हैं। तो अब इस चैप्टर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, सबको आप अपनी नोटबुक में, कॉपी में नोट करिए, सभी के मीनिंग को लर्न करिए और बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए।